हेलो फ्रेंड्स, लतवारे फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रही हूँ उसकी ये वीडियो नंबर 9 है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हिप के ऊपर ये पट्टी किस तरह से लगाते हैं। इससे पहले मैं आपको कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग, मेजरमेंट सब कुछ सिखा चुकी हूँ। बाजू का कटिंग और स्टिचिंग कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो उसके बाद हम ये हिप के ऊपर, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये हिप के ऊपर पट्टी लगी हुई है, ये देखिए। और ये जो पट्टी अंदर से लगती है, बाहर से देखिए इसमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम होता है। ये देखिए बाहर से कहीं भी आपको ये पट्टी नहीं दिखेगी, ये सिर्फ अंदर की तरफ से ही लगती है। तो इस पट्टी को हम किस तरह से लगाते हैं वो आज की वीडियो में सीखेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी और करूंगी कि आप इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिनको भी आपको लगता है कि नीडी है, इनको ज़रूरत है सीखने की, तो प्लीज़ उनको ज़रूर सिखाइएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स करके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखिए, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो हम ये पट्टी लगाते हैं, आजकल मैक्सिमम जो है यही सूट के ऊपर यही पट्टी लगती है। और यहाँ पर हम दूसरी क्या बना सकते हैं, आई। तो आई बनाना मैंने आपको सिखा दी है। अगर आप ये पट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर वो फिर आई बना सकते हो जो मैंने आपको बताई थी, ये बिल्कुल यहाँ पर आपकी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पीस लिया हुआ है, कपड़े के दो पीस लिए हुए हैं, इसके ऊपर मैं बताऊंगी ठीक है आपको। तो ये देखिए, ये हमारी हिप रहेगी, ये वाला एरिया जैसे हम सिलाई लगाते हैं वैसे आपने सिलाई लगा लेनी है फिटिंग वाली। उसके बाद जब पूरी कुर्ती हमारी स्टिच हो जाएगी उसके बाद हमारी ये पट्टी लगेगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों पल्ले होंगे ठीक है। फ्रंट का पार्ट कुर्ती का जो है, ये फ्रंट का पार्ट और ये बैक का पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह से है ये ना, रॉन्ग साइड है देखिए। अब इसको हमने इस तरह से खोलना है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम इसको खोलेंगे। ये हम जब खोलेंगे इसको तो इस तरह से खुल जाएगी ये ठीक है। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ को रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हमारी ये पट्टी लगेगी ठीक है। यहाँ पर पूरे हिप के पास हमारी ये पट्टी लगती है, इस तरह से हमने खोल लेना है ठीक है। राइट साइड अंदर की तरफ को है और ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। आने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है, और लंबाई जो है वो आपको लगभग 7 इंच लेनी है, ताकि हमारी दोनों साइड, क्योंकि हिप का जो दोनों साइड है वहाँ पर हमारी ये पट्टी लगती है। अब चलिए इसको मोड़ लेते हैं। तो पट्टी को मोड़ने के लिए सेम देखिए इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इसको, मोड़ेंगे और यहाँ से भी मोड़ेंगे ठीक है। अब इन दोनों को हमने इस तरह से अंदर की तरफ को कर लेना है, और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पर दूसरे कलर का धागा लगाया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये मार्जिन हमारा अंदर की तरफ को चला जाएगा। ये तो मुझे लगता है सबको पट्टी बनाने आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी बना ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे हिप के ऊपर। तो किस तरह से अटैच करेंगे उसके लिए देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमें अपनी शर्ट को इस तरह से खोल के रखना है। मतलब ये हमारी शर्ट है ठीक है, ये हमारी शर्ट है। इस तरह से हम इसको खोलेंगे, ये दोनों पल्लों को पकड़ेंगे, आगे व फ्रंट वाला पार्ट भी तो बैक वाला पार्ट भी। अब इसको इस तरह से रखेंगे ठीक है। अब यहाँ से हमने ये जो दोनों हमारा मार्जिन है उसको खोल के रखना है ठीक है। यहाँ से खोलेंगे, अब जहाँ पर हमारा हिप वाला एरिया है, जैसे देखिए यहाँ से नीचे को जो साइड के चाक होंगे वो वाला एरिया होगा। अब यहाँ पर हमने इसको लगाना है, तो किस तरह से लगाना है, जो सिलाई वाली है इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ से हम सिलाई देंगे इसको, यहाँ से सिलाई देंगे और बीच में हम इसको रोक देंगे ठीक है। सेंटर पर जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ से रोक के रखेंगे। फिर उधर से हमने इधर को सिलाई लगानी है ऊपर को ठीक है, सेंटर पे ही, और उधर से हम वापस हो जाएंगे ऊपर की तरफ से। सबसे पहले हम एक तरफ से लगाएंगे इधर से इधर तक, फिर हम दूसरी तरफ से इधर से, देखिए यहाँ से हम सिलाई देंगे इधर तक, इधर से ऊपर होंगे और यहाँ से वापस हो जाएंगे। तो अब पकड़ेंगे किस तरह से, अब हम सिर्फ मार्जिन पकड़ेंगे। देखिए इस तरह से मार्जिन ही पकड़ेंगे, बाकी हमारा कुर्ती का फैब्रिक हमने नहीं पकड़ना है। देखिए जहाँ पे हमारा सेंटर बन रहा है वहाँ पे हमने अपनी सुई को गाड़ के रखना है।
यहाँ पर देखिए मैंने अपनी जूम कर दिया है ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। यहाँ से देखिए जहाँ पे हमारी हिप की सिलाई आ रही है वहाँ पे मैंने इसको रोक के रखा है, सुई को गाड़ के रखा है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे ऊपर को, ठीक है, सेंटर से सिलाई ऊपर को लगाएंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे जहाँ पे हमारा कॉर्नर बन रहा है। अब यहाँ से दूसरी तरफ को घुमा देंगे और सिलाई हमने यहाँ से बाहर को निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने एक साइड को लगाई वैसे ही हमने दूसरी तरफ को भी लगानी है, ठीक है। यहाँ से जो हमारी बढ़ रही है उसको हम काट लेंगे, पट्टी एक्स्ट्रा जो बढ़ रही है उसको हम कट कर लेंगे। अब वैसे ही हमने यहाँ से इधर को सेंटर तक सिलाई लगानी है, सेंटर से ऊपर वापस हो जाना है और सेंटर से इधर वही हम यहाँ पर भी मार्जिन ही पकड़ेंगे, इस तरह से मार्जिन ही पकड़ेंगे। तो बहुत आसान है ये लगाना पट्टी, और इससे क्या होता है कि हमारे जो मैक्सिमम कपड़े होते हैं वो हिप लाइन से ही जल्दी सिलाई उसकी निकलती है, इसीलिए हम जो हिप लाइन पे है ये पट्टी लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हिप की सिलाई है वहां पे हम रोक के रखेंगे, यहाँ से ऊपर को सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा तिरछे सिलाई को लगाएंगे, हल्का सा, ये हल्का सा देखिए, और फिर यहां से हम फिर से, तो इस तरह से देखिए मैंने यहां पर ये सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूं, देखिए ये इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब ये जब राइट साइड से देखोगे तो आपको पट्टी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी क्योंकि अंदर की तरफ को लगी होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे हमने इस पट्टी को अटैच करना है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम तुरपाई करने के लिए कपड़े को कैसे किस तरह से फोल्ड करते हैं, जो दो तरीके में होगा, ठीक है, वो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।